और एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर 2023-24 में फ्रंट रनर राज्य बना एमपी। नीति आयोग की रिपोर्ट में बना एमपी फ्रंट रनर, 100 में से 67 अंक प्राप्त कर अव्वल बना एमपी। शहरी विकास, सस्ती ऊर्जा देने में एमपी बेहतर, स्वच्छ जल देने में भी एमपी बना बेहतर। शिक्षा और लैंगिक समानता में औसत प्रदर्शन, आर्थिक विकास और गरीबी हटाने में बेहतर। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ सुधार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर 2023-24 में फ्रंट रनर राज्य बना है एमपी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश फोनलाइन पर बने हुए हैं। दुर्गेश, बात किया है तो 2023-24 की रिपोर्ट में, जो है नीति आयोग की रिपोर्ट में, फ्रंट रनर राज्य बना है एमपी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कपिल, देखिए जो हाल ही में जारी की गई नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें मध्य प्रदेश शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और साफ जल उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रयास रहा है। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, ये अलग अलग राज्यों में हो रही प्रगति के आधार पर रैंकिंग होती है इनकी और रिपोर्ट जारी की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन के मामले में औसत प्रदर्शन ही कर सका है, लेकिन उसके पूर्व जो है शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और साफ जल उपलब्ध कराने के कार्यों में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। उसके साथ ही जिस प्रकार से साल 2020-21 में मध्य प्रदेश 100 में से 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल था कपिल, तो वहीं अब जब 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें मध्य प्रदेश फ्रंट रनर राज्य बनकर के उभरा है और मध्य प्रदेश ने 2023-24 की रिपोर्ट में 100 में से 67 अंक हासिल किए हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश में शहरी सामुदायिक विकास, उसके साथ ही जिम्मेदारी के साथ जो है उत्पादन और न्यायिक संस्थानों की स्थापना, जनता को स्वच्छ ऊर्जा और साफ पीने का पानी देने में अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश कर रहा है। इसी तरह आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करने में भी प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके साथ ही गरीबी हटाने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जो है राज्य का प्रदर्शन अच्छा माना गया है। उसके साथ ही प्रदेश में 1,36,00,000 व्यक्तियों को बीते सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। उसके साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है लगातार, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है लगातार सुधार हो रहा है। कुल पैदा होने वाले बच्चों में 98% जो प्रसव है वो अस्पतालों में ही हो रहा, संस्थागत हो रहा है। उसके साथ ही जो टीकाकरण है, टीकाकरण भी पूरा हो चुका है, लगभग 93% बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। अगर बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितने अंक मिले हैं, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादन में 92 अंक मिले हैं 100 में से, गरीबी उन्मूलन में 100 में से 67 अंक मिले हैं, वहीं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में 90 अंक मिले हैं, सफाई पीने का जल 87 अंक मिले हैं, शहरी विकास में 86 अंक मिले हैं। और जिन क्षेत्र में प्रदर्शन औसत रहा है उन क्षेत्रों में भुखमरी उन्मूलन में 48 अंक, सामाजिक असमानता में कमी 54 अंक, क्लाइमेट चेंज में 67 अंक, गुणवत्ता वाली शिक्षा में 49 अंक और लैंगिक समानता में 48 अंक। हालांकि कुछ ऐसे बिंदु भी हैं कपिल जिनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा है, उन बिंदुओं में से मध्य प्रदेश अभी भी औसत दर्जे से नीचे है। इनमें भुखमरी हटाने के उपाय, अच्छी शिक्षा देने की योजनाओं का क्रियान्वयन, महिला पुरुषों में समानता लाने की योजनाएं शामिल है जिनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे कार्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश अव्वल रहा है कपिल। बिल्कुल दुर्गेश, कहीं ना कहीं कुछ अंक कुछ सेक्टर में जो है मध्य प्रदेश पीछे रहा है, तो कुछ सेक्टर में जो है आगे नजर आया। और देखना हो कि आगे ये जो सिलसिला है नीति आयोग की रिपोर्ट का, ये अगले साल आने वाली रिपोर्ट में क्या कुछ बदलाव होंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा दुर्गेश।